तो भाई लोग आज के वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ आप लोग कैसे रैंडम बंदों के साथ हर एक सीएस का मैच बुआ कर सकते हो। तो बहुत सारे बंदे को नहीं पता होगा मैं सेकंड चैनल पे लाइव करता हूँ सुदीप सर का लाइव पे, ठीक है। तो ये जो सात्विक भाई है हमारे, सात्विक भाई डेली आते हैं मेरे सेकंड चैनल पे, तो सात्विक भाई को लेके मैं खेल रहा था। लिटरली सात्विक ने ये बोला 1v4 अगर मार देता हूँ तो कंटेंट बन जाएगा, और मेरे को पता नहीं था नेक्स्ट मैच में हमारे ओपोनेंट आ जाते हैं गाइस भाई श्रीकांत भाई, ठीक है। तो मैं लिटरली भाई ये रैंडम स्क्वाड था मेरे लिए, सात्विक मेरे साथ पहली बार गाइस खेल रहा था और लिटरली बंदा इतना नर्वस हो गया था कि बंदे के भाई एक किल थे पूरे मैच में, ठीक है। और मैंने अकेले ने मारा और कैसे मारा गाइस वो आप लोग को मैं शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो गाइस पहली बात तो आप लोग का कैरेक्टर स्किल मेन होता है, तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो गाइस मैंने जो कैरेक्टर स्किल लगाया, इसके अलावा गाइस आप लोग गाइस क्लू यूज कर सकते हो, साथ ही साथ नेड कैरेक्टर भी, नेड का जो भाई कैरेक्टर ये तो पेट है, कुछ भी आप लोग यूज कर सकते हो आप लोग अगर अच्छा नेड मारते हो। बहुत सारे बंदों का डिवाइस लो होता है, तो मैं आप लोग को बोलना चाहता हूँ गाइस आप लोग नेड से आराम से गाइस क्लच निकाल सकते हो। जैसे नोनी भाई हो गए, नोनी का डिवाइस इतना अच्छा नहीं था, और गाइस जैक की जो बंदा है उसका भी डिवाइस पहले इतना अच्छा नहीं था, लिटरली बता रहा हूँ, वो लोग नेट से इतना अच्छा बढ़िया क्लच निकालते हैं, आज बहुतों के इंस्पिरेशन बन चुके हैं। तो जैसे देख सकते हो गाइस सात्विक भाई 1v4 मारेंगे और देख ही सकते हो गाइस सात्विक भाई नॉक हो चुके हैं, ठीक है। तो पहला राउंड हम लोग हार जाते ही देखते ही देखते, तो भाई लोग मैं बहुत सारे बंदे को देखता हूँ पहला राउंड में वो लोग क्या लेते हैं M500, लिटरली 100 रुपए बचाने के चक्कर में पहला राउंड हार ही जाते हैं। तो लिटरली बता रहा हूँ पहला राउंड ही मेन होता है, देखो गाइस हम लोग पहला राउंड ही हार गए, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग हारते हो तो गाइस थोड़ा सा होल्ड करके खेलो, सामने वाले कुछ ना कुछ गलती करेंगे, ठीक है। जैसे सामने वाले देखो गाइस लिमिटेड जैसे है, वो लोग के पास अनलिमिटेड वॉल भी नहीं है। एक बंदा देखो गाइस जैसे खुले में भागा उसको मैंने हेड मार दिया, ठीक है, लिटरली बंदे को पता ही नहीं था। और गाइस मेन बात है कि बातचीत करके खेलना चाहिए, ये देखो गाइस सामने एक बंदा था वो लोगों ने पोजीशन ही नहीं बताया, इसलिए मैं बोल रहा हूं गाइस क्लू लेके खेलना। ये देखो सामने वाले बंदे को पता ही नहीं कि मैं पीछे खड़ा हूं, ठीक है, वो सीधा सीधा गया और उसको भी मैंने डाउन कर दिया, ठीक है। हमेशा गाइस कवर लेके फाइट किया करो। ये देखो गाइस राइट में गुंजन है, ठीक है ना, अभी भाई मेरे को पता है कि गुंजन इधर आ नहीं सकती है क्योंकि सामने से बंदा मार रहा है, ठीक है ना। तो जैसे ही बंदा गाइस थोड़ा सा भी बाहर निकला गाइस मैंने तुरंत गाइस ओनली रेड मारे, ठीक है। तो हमेशा कवर लेके फाइट करो और एक दूसरे को कवर दिया करो गाइस, इससे क्या होता है स्ट्रेटेजी बनेगा और गाइस आप लोग हर एक भाई मैच आराम से जीत सकते हो। तो लिटरली मैंने जो देख लिया गाइस मेरे को लगा सात्विक संभाल लेगा, लेकिन सात्विक मेरे साथ पहली बार खेल रहा था तो मेरे को लगा मेरे को अकेला ही मारना पड़ेगा। देखो गाइस इधर मैंने 1v4 निकाला है गाइस, लिटरली बता रहा हूं ओनली रेड मार के। और देखते ही देखते गाइस दो बंदे हमारे टीम के लुढ़क गए, एक तो सात्विक पहले ही लुढ़क गया और दूसरा हमारे एक्सेल भाई भी लुढ़क गया, ठीक है। तो गाइस सामने देखो गाइस एक बंदा लेफ्ट से, हमेशा चार बंदे ना थोड़ा सा भाई अलग अलग रह के खेला करो, ठीक है, एक साथ रह के खेलोगे तो भाई ग्रेनेड भी आ सकता है और सामने वाला बंदा भाई घूम घाम के भी मार सकता है। और इधर मैंने तीनों को नॉक कर दिया और एक बंदा बचा, उसने गाइस क्रोनो लगा दिया, ठीक है ना। और आप लोग भी गाइस मेरे साथ लाइव में खेलना चाहते हो, लिटरली डिस्क्रिप्शन पे मैं अपना सेकंड चैनल का लिंक दे दूंगा गाइस, सारे बंदे आ जाना मेरे सेकंड चैनल पे। और इधर मैंने ओपी सा एक क्लच निकाल दिया गाइस। हमारा और एक टिप्स है कि पहला गाइस ओपोनेंट का बंदा डाउन करो, हमेशा गाइस ओपोनेंट का एक बंदा डाउन होगा ना तो आप लोग सीधा चढ़ जाना, ठीक है ना। पहली बात तो देखो गाइस क्या होता है कि आप लोग का अगर एक बंदा डाउन हो जाता है ना तो सामने वाले बंदे को गाइस मतलब टीम को बेनिफिट मिल जाता है कि आप लोग के ऊपर चढ़ के मारने का, समझ लो। तो गाइस पहले तो आप लोग बंदा देख लो, ऐसा नहीं कि अंधाधुंध चढ़ जाओ, ठीक है ना, पहले बंदे का पोजीशन देख लो। इसीलिए बोल रहा था गाइस कि चारों बंदे का कोऑर्डिनेट होना बहुत जरूरी है। इधर देखो गाइस गुंजन नॉक हो चुके, भले ही गाइस इस राउंड में गुंजन ने जो मारा गाइस, ठीक है, तो उधर सात्विक को भी जैसे डैमेज पर मैं बाहर निकल के एक को डाउन कर दिया। और दूसरा बंदा देखो गाइस वन टैप खेल रहा है गाइस, इतना शॉर्ट में वन टैप खेलने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर बंदे के पास गाइस M500 बोल रहा हूं, MP40 या तो शॉटगन कोई सा भी गन रहता मैं आराम से नॉक हो जाता। तो हमेशा गाइस अगर लॉन्ग रेंज ही खेलना है तो लॉन्ग से खेलो। ये देखो गाइस शॉर्ट रेंज में मेरे को गाइस उड़पेकर मारा और बंदा डाउन हो गया। और लिटरली बता रहा हूं ये देखो गाइस गुंजन गाइस अकेले ने मार दिया गाइस इस राउंड पे, बाप रे बाप क्या मारा भाई इसने। सारे बंदे ओपी लगा देना जितने भी बंदे देख रहे हो। तो भाई लोग ये हमारा लास्ट राउंड था और गाइस हम लोग को कैसे ना कैसे जीतना ही था क्योंकि देखो गाइस सात्विक भाई का कंटेंट का मामला है गाइस, तो हम लोग कैसे भाई हारना अच्छा नहीं लगता। तो मैं फटाफट सामने चला गया, ठीक है। तो जैसे ही मैंने सामने गया मैंने क्या देखा, मेरे ऊपर किसी ने ना ड्रोन कैरेक्टर मार दिया, ठीक है, आप लोग देख सकते हो गाइस। ये देखो गाइस कहां से उड़ता हुआ एक ड्रोन आया और मेरे ऊपर फट गया, ठीक है। तो गाइस हमेशा गाइस होल्ड करके खेलो। अभी ये देखो गाइस एक बंदा मेरे ऊपर रश कर रहा था लेकिन वो पीछे भाग गया क्योंकि उसने मेरे को देख लिया था, ठीक है ना। तो वो जैसे पीछे भागा मैं क्या देख लिया, वो देखो गाइस वॉल मार के ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो मेरे को
पता है कि ऊपर चढ़ने का कोशिश तो करेगा, मैं तुरंत रश किया और ये देखो गाइस इसको गाइस ओनली रेड मारा। तब तक गाइस एक बंदा ऊपर चढ़ गया था, ठीक है ना, छत के ऊपर चढ़ गया था, तो मैं फटाफट गाइस अपने आप को हील किया और अपना जो भाई दोस्त लोग है वो लोग को हेल्प करने के चले गए, ठीक है। और जैसे मैं सामने गया देखो गाइस पीछे बंदे, देखो पीछे से एक बंदा मार रहा है। और सही में बता रहा हूं गाइस आप लोग का थोड़ा गेम प्ले भी इंप्रूव होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई मैं जो बोल रहा हूं, मेन होता है गाइस स्ट्रेटजी, तो हमेशा अपना स्ट्रेटजी से खेलो, बाकी तो गेम प्ले चाहिए ही भाई, ठीक है, नहीं तो भाई आप लोग कैसे हर एक मैच बुआ कर सकते हो, वो भी भाई इतने अच्छे अच्छे यूट्यूबरों के सामने। और ये देखो गाइस ये बंदा आया, उसको भी मैंने भाई 12 किल किए, लिटरली बता रहा हूं। और आप लोग को अगर सामने ओपोनेंट में हमेशा एक यूट्यूबर चाहिए, इसके ऊपर भी टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए मैच मेकिंग कैसे करते, उसके लिए भी गाइस एक बार आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता दो, वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो अपने दोस्त लोग के साथ भी शेयर कर देना, और लगे हाथों गाइस एक वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो गाइस सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर भाई लोग।